रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। इसमें न सिर्फ उत्तर कोरिया ने रूस का भव्य स्वागत किया है, बल्कि उसके लिए वो हर काम किया जो किसी ने कभी किम जोंग के बारे में नहीं सोचा था। जी हाँ, किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति के लिए भव्य स्वागत समारोह से लेकर उनकी विदाई तक सब कुछ खास रखा। उन दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान ही कुछ तस्वीरें अब जारी की गई हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों नेताओं के डॉग्स के प्रति प्रेम, घोड़ों के प्रति प्रेम और दोनों आर्ट और कल्चर को लेकर कितने सजग हैं, उसकी भी तस्वीर जारी की गई है। इस दौरान सबसे खास तस्वीर है रूसी राष्ट्रपति के वापस जाने की। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति के वापस जाने से पहले ही किम जोंग उन एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो उनका इंतजार करते हैं। आमतौर पर किम जोंग उन को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा गया है। किम जोंग उन ने अपने दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विदाई दी और इसके बाद वो इंतजार करते रहे, इंतजार अपने दोस्त के प्लेन के टेक ऑफ कर जाने का। और ये तस्वीर बेहद खास है। इस दौरान उसी राष्ट्रपति ने भी प्लेन की खिड़की से बाय किया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया और नीचे प्लेन के नीचे किम जोंग उन उनके साथ तमाम मिलिट्री के शीर्ष अधिकारी और उनकी बहन साथ में मौजूद थे। अब इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि आमतौर पर उत्तर कोरिया के नेता को ऐसे कभी नहीं देखा गया है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच कई सारी अहम डील हुई है, उसमें सबसे खास बता देते हैं क्या है आपको कि इस बार रूसी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उन्होंने फिर से किम जोंग उन को एक लग्जरी लिमोजीन कार और गिफ्ट की है और दोनों ही देशों के बीच एक नया डिफेंस डील हुआ है जिसका नाम अलायंस दिया गया है। पुतिन ने किम जोंग को तोहफे में जो लग्जरी कार ऑरस भेंट की है, उससे पहले भी उन्होंने एक ऑरस कार किम जोंग को गिफ्ट की थी। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को एक कटार और टी सेट भी गिफ्ट किया है। पुतिन के सहयोगी यूरी उश्काव ने बताया है कि ये तोहफे पुतिन की छवि को दर्शाते हैं और ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने किम जोंग को इतने लग्जरी गिफ्ट दिए हैं। इससे पहले पिछले साल फरवरी में भी पुतिन ने उन्हें ऑरस लिमोजीन कार भेंट की थी। दोनों ही देशों की बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने वादा किया कि रूस अमेरिकी दबाव, ब्लैकमेल और धमकियों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का समर्थन करेगा। रूसी राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को रूस आने का भी न्योता दिया है। किम इससे पहले सितंबर 2023 में रूस के वोस्तोचिनी कॉस्मोड्रोम पहुंचे थे, जहां पुतिन ने उनका स्वागत किया था। बैठक के दौरान किम जोंग ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग का समर्थन करते हैं। दोनों देश विकास के नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में नॉर्थ कोरिया रूस को अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि साल 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन ने अपने पिता की तरह रूस और चीन से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। पुतिन से किम जोंग उनकी नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि रूस ने 2012 में नॉर्थ कोरिया के सभी कर्जे माफ कर दिए और अब देखिए, जब तक रूसी राष्ट्रपति का प्लेन टेक ऑफ नहीं कर जाता तब तक किम जोंग वहां खुद खड़े रहते हैं और उनके अभिवादन में हाथ हिलाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।